सो है यू व्हाट इज अप गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रिंस, आप देख रहे हैं प्रिंस गेमिंग जोन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अपडेट के बाद ये मेरा फर्स्ट गेम होगा, मतलब कल रात को ही अपडेट कर लिया था, मतलब कल रात को सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रात को तो गेम ही खुला था 7:30 बजे तक। तो रात को मैं एक दो मैच खेला था, लेकिन उसमें पिंग हाई था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक मतलब अपडेट के बाद पिंग कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आज सुबह मैंने अपलोड ये जो रिकॉर्डिंग है वो किया है, मेरा पिंग बहुत ही सही दिया, और पिंग के ऊपर आप लोगों का भी पिंग अगर हाई जाता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके उस वीडियो को देख लो, आप लोगों का पिंग भी हाई नहीं होगा। तो अभी बात पे आते हैं, तो सबसे पहले तो बोल दूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे सारे मेरे मतलब जो हमारे चैनल के मेंबर्स हो, सभी को भाई बहन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी के वजह से मैं अभी यहाँ पे हूँ, इस जगह पे जो भी हूँ अभी, तो यही बोलना था। और ये मतलब क्या बोलूँ, मैं नुबड़ो की तरह खेलता हूँ। तो एक बंदा आया था मेरे को टीमिंग करने मेरे साथ, तो फुल गेम प्ले आप लोग इन्जॉय करो। तो चलो जल्दी से, ये ग्रोज़ा का स्किन मिला मेरे को, ग्रोज़ा चाहिए था और ग्रोज़ा मेरे को मिला बहुत ही लास्ट में। तो चलो गेम प्ले इंजॉय करो आप लोग। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं गेम पे, और आप लोग को गेम का इंटरनल साउंड जो कि आ रहा होगा, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक न्यू मतलब जो रिकॉर्डर जिसमें इंटरनल साउंड का ऑडियो का ऑप्शन है, तो उम्मीद है आप लोगों को साउंड आ रहा होगा। तो अभी मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे मतलब अचानक से इजेक्ट वाला बटन दबा दिया, और यहाँ पे मैंने सोचा बंदे आएंगे, बट बंदे लोग ज़्यादातर ब्लू जोन में चले गए, क्योंकि साइड में ब्लू जोन है। यहाँ पे एक बंदा आया था और इस बंदे को बहुत ही गंदे तरीके से मारा, इस बंदे को पता भी नहीं चला कि मैं इसके ऊपर उतरा हूँ। ये आराम से एकदम लूट कर रहा था, और मेरे को भी मिल चुका था स्कार, और मेरे पास था स्कूपी स्कार का स्किन। और नीचे देख सकते हो बंदा कितना आराम से, और यहाँ पे इसको 110 का एक हेड भी लग गया, और बस 3-4 गोली में। बट ये देखिए अच्छा लगा कि बंदे ने मेरे को लाइक किया, तो ऐसे बंदे बहुत ही अच्छे होते हैं। आप लोग भी किसी को लाइक नहीं करते तो कर दो, मैं नहीं करता, लेकिन आप लोग कर देना अगर आपको किसी कोई मार के चला जाए। मतलब ये बंदा सूझ भी नहीं पाया इसको कहाँ से कैसे कब मार दिया, इसलिए शायद से ये लाइक किया, जो भी किया है चलो सही है, लाइक तो मिल गया। तो यहाँ पे अभी तो कोई बंदा मेरे को नहीं मिला, मैं बहुत ही आसानी से मतलब अच्छे से इधर उधर लूट कर रहा था। तो ये वाला एरिया को मैं मतलब जो कि है ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो गाइस, एयरशिप या सबमरीन कुछ भी है, तो यहाँ पे अच्छे से लूट करने के बाद मेरे को एयरशिप दिखा है, और एयरशिप लूटने यहाँ पे जा रहा था, और यहीं पे ही मेरे को एक बंदा मारने लग गया। तो यहाँ पे बहुत ही लॉल वाला सीन हो गया, और ऊपर से मैंने देख सकते तो ब्राइटनेस कितना ज़्यादा फुल करके रखा है। बाहर आया हूँ बाहर, क्योंकि घर के अंदर जो कि लाइन चला गया था और इतना गर्मी हो रहा था इसलिए, तो बाहर आया था भाई साहब, बार बार मतलब जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिकली एकदम अंधेरा छा रहा था पूरे स्क्रीन पे। और यहाँ पे देख सकते हो एक बंदे ने साइलेंसर लगा के इतना ज़्यादा मारा ना, मैं डर गया। फिर मैंने बंदे को देख लिया ऊपर, वो ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करने में ना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हाथ में पसीना दे दिया था, और पसीने की वजह से जो कि स्क्रीन स्लिप नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैंने सोचा बंदे मतलब पहले सोचा कोई ग्लिच हुआ होगा, लेकिन मैंने लास्ट में देखा यहाँ पे बंदा खड़ा था, तो ये क्या कर रहा था आई डोंट नो, यहाँ पे मतलब मार खा रहा था। और यहाँ पे मैं गया तो इसके पास अच्छा खासा मेरे को ग्लू वॉल वगैरह लूट भी मिल गया, एक ग्लू वॉल मिला था वो इसकी वजह से यूज़ कर लिया, लेकिन इसने मेरे को 3 ग्लू वॉल और भी दे दिया, जो कि बहुत ही सही है। तो यहाँ पे मैं कर रहा था आराम से लूट, और लूट करते करते यहाँ पे मैंने सुना एक जो कि है आवाज़ सुना एक गन का, तो गन के आवाज़ सुनने के बाद मैंने सोचा कोई नहीं होगा, फिर से मैंने गया, एंड जाने के बाद यहाँ से लूट कर रहा था और साइलेंसर इसके पास से ले लिया, और जैसे तो मेरे को पड़ चुका एक फटका। तो मैंने सोचा ओम है या फिर K90 वाले इस समय मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले होते हैं, मेरे को K90 मिला था, मैंने नहीं लिया क्योंकि इसको पिक्सकार का स्किन कुछ दिनों के लिए है। और यहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, लेकिन ये बंदा मेरे को मार नहीं रहा था, तो देखो अभी जो डैमेज दिया ना ये एक और बंदा दे रहा था जो कि ऊपर था, जो मेरे को अभी तक नहीं दिखा। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, और अभी देख सकते हो ऊपर मेरे को दिख रहा था कि ऊपर बंदा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही जा रहा था मेरे को एक और फटका पड़ा था या पड़ा नहीं पता नहीं, शायद से नहीं पड़ा, मैंने यहाँ पे आवाज़ सुन के यहाँ पे जो कि है ग्लू वॉल लगा लिया। तो जो भी हो,
यहाँ पे एक और बंदा था जिसके पास था AWM भाई साहब, और बंदे को दो गोली मारा तो वो डर के भाग गया। मैंने सोचा बंदा है थोड़ा सा छिप गया होगा, लेकिन बंदा जो कि पीछे से निकल गया था। मैंने सोचा चलो मतलब अभी तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे बंदा है या नहीं, तो मैं थोड़ा सा कवर ले लेके जा रहा था। तो कवर ले के जा रहा था तो मैंने सोचा इसमें बंदा अगर होता तो मेरे को मारता। तो मैंने सोचा एक ग्लू वाला चलो रेस्ट कर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे बंदे को नहीं दिखा मेरे को। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल या फिर बैकअप चैनल जो भी बोल सकते हो तो उसका लिंक मिल जाएगा। जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, उसमें भी वीडियोस वगैरह आएगा और वो मेरा जो कि सेकंड चैनल और बैकअप चैनल बन के रहेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका था और यहाँ पे देखा बंदा जो कि जून की वजह से डर के भाग रहा था। इसको बहुत ही अच्छा खासा डैमेज मिल गया और बंदा जाके छिप गया। तो मैंने सोचा अब तीन ग्लू वॉल है, कोई डरने की बात नहीं है, चलो रेस्ट कर देते हैं। और बंदा मेरे को मारा नहीं, बट जो कि है मेरे को यहाँ पे मिल गया था कार 19, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को अभी यूज़ करने का मौका मतलब अच्छा नहीं लगा। और पीछे एक ग्लू वॉल लगा था, मैंने सोचा बंदा शायद से ग्लू वॉल के पीछे है, लेकिन वो बंदा चला गया था उस तरफ जो टावर है, टावर में मैंने पहले नहीं उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये वही बंदा है और देख सकते हो अभी मेरे को दिखा रहा, तो मैंने दो गोली मारा लेकिन बंदा जो कि टावर के ऊपर छिप गया। तो ये है वही बंदा है जिसके पास था AWM, और ये अभी मेरे साथ बहुत ही मस्त मतलब ये टीमिंग करने के लिए आया, टीमिंग करेगा मेरे साथ। और देखो कितना मस्त वाला यहाँ पे हुआ सीन। तो अब मैं यहाँ पे डर डर के जा रहा था, यहाँ से गोली वगैरह मैंने सोचा थोड़ा सा साइड से जाएंगे क्योंकि ये उसके पास AWM है, और एक अगर फटका पड़ेगा तो मेरा हाफ हेल्थ हो जाएगा और ऊपर से कोई अगर बंदा मार दिया। और ये देख सकते हो रेफिनरी के आसपास मैं घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई और बंदा अगर आ गया तो समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम होगा। तो मैंने इस तरफ से जाने का सोचा तो बंदा उस तरफ से फायर स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगा क्योंकि वो बंदा नूबड़ों की तरह मतलब बॉट की तरह है। तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा इसका मुंडी अगर दिखेगा तो हेड लेंगे, बट मुंडी वगैरह कुछ नहीं दिखाया। मैंने सोचा चलो इसके पास AWM में एक गोली मारेगा तो मेरा तो काम तमाम। तो मैं इस तरफ से थोड़ा सा कवर लेते लेते आ गया था। तो यहाँ पे आते ही मेरे को बंदा दिखा जो कि थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव मतलब नहीं लगा मेरे को कि ये टीमिंग करेगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। और यहाँ पे जब भी मैं ट्री कवर लेके मारने की कोशिश कर रहा था तब यहाँ पे इसने पैन चलाना स्टार्ट कर दिया, जो कि देख सकते हो आप लोग पैन अभी चला रहा है। मैंने सोचा इसका मुंडी मारेंगे लेकिन ये पैन चला रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसके साथ टीमिंग करूँगा। तो मैंने सोचा मैंने इसको बुलाया नीचे, मैंने बोला आ जा भाई आ जा, लेकिन कवर नहीं छोड़ा क्योंकि कवर छोड़ूंगा तो कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए मैंने इसको बुलाया नीचे। और बंदा आ गया, मैंने सोचा मारेगा लेकिन नहीं मारा। तो बंदा आ गया एंड आके मेरे को यहाँ पे टीमिंग किया, मैंने सोचा ठीक है चलो ये बंदा मतलब अभी नहीं मारेगा, लेकिन गाइस मैंने इसको मार दिया जो कि लास्ट के टाइम पे, क्योंकि देखो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा टीमिंग किया बहुत बंदों के साथ और यहाँ पे इमोट दिखा रहा था बंदा, तो मैं अभी नहीं दिखा तो ऐसा कैसे चलेगा, तो मैंने भी इमोट दिखाया। तो देखो गाइस अगर कोई बंदा टीमिंग करेगा, मैंने बहुत सारे बंदों के साथ टीमिंग किया है लेकिन वो सारे बंदे मतलब लास्ट में आपको मार देंगे बहुत सारे तरीके से, बहुत मतलब बहुत बंदे ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा से जो भी बंदे के साथ टीमिंग करता हूँ उसको मौका मतलब मौका लेने की कोशिश करता हूँ। और ये यहाँ पे ग्लू वॉल लेने के लिए मेरे को बोल रहा था, मेरे को हिट लगा, मैंने सोचा मार क्यों रहा है। चलो तो मैं इसलिए हर वक्त हर एक बंदे को मतलब टीमिंग करने के साथ ही साथ उसको मौका मिलते ही मार देता हूँ, ताकि बाद में ये मेरे को ना मार पाए। क्योंकि टीमिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बंदे लोग अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके हैं टीमिंग करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने सोचा बंदा कहाँ चला गया, मेरे को छुप के कहीं मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फिर देखा वहाँ पे बड़े जो गोडाउन है कारखाना जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे बंदा दिखा। तो मैंने सोचा इसके साथ साथ रहूँगा क्योंकि ये अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो मैं इसको मारने की जो कि ट्राई करूँगा। इसके पास था AWM जो कि कुछ नहीं कर पाया, ये इतना नुबड़ा एक गोली लगा नहीं पाया। तो मैंने सोचा यहाँ पे level 4 का मास्टर है, मेरे को एक मतलब मिशन भी है इलाइट पास का, मैंने सोचा चलो यही खाता। तो ये बंदा आके बैठ गया, मैंने खा लिया और पता नहीं ये बंदा यहाँ पे नेटवर्क चलाया कुछ, और मैंने इस मौके पे इसको ले लिया फटके में। तो देख सकते हो बंदा मेरे को लाइक भी नहीं दिया, डिसलाइक भी, रिपोर्ट वगैरह का पता नहीं। तो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है जो कि है हमारा जो हुप गन, इसको हम लोग बोलते हैं चिप्पू गन। तो चिप्पू गन हम लोग को मिल चुका है, और इससे हम लोग मतलब अभी देख सकते हो लास्ट सर्कल एंड 12 बंदे बाकी है जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो मैंने सोचा ऊपर तो बंदे होंगे ही होंगे, रेड जोन आगे था, तो मैंने इस साइड से जाने की
सोचा। तो इस साइड से जाते जाते मेरे को सामने फाइटिंग, मतलब इस जो टावर है इस टावर के ऊपर जो के बंदे के पैर की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे बंदा नीचे होगा, लेकिन मैंने फिर नोटिस किया कि वो ऊपर है और उस तरफ से कुछ बंदे मार रहे थे इसको। तो मैं यहाँ पे चलाया सामने वाले, तो यहाँ पे मेरे को अच्छा वाला हेड मारने का इसका ट्राई मतलब मौका था, लेकिन वो बंदा मेरे को देख नहीं पाया। तो मैंने चारों तरफ देख लिया, नहीं मिला। बट जब यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे मैंने बंदे को देख लिया, उसके पास था ग्रोजा एंड यहाँ पे मैंने हेड लेने की कोशिश किया, इसने मारा। तो यहाँ पे 70 का एक हेड लगा, बंदा ग्लोअर लगाया और उसको पीछे से पड़ गया। तो मैंने जब भी इसको देखा तभी मैं जा चला गया क्योंकि इसके पास मेरे को लेना है ग्रोजा। तो बंदा दिख रहा था मेरे को सामने और साइड में एक और बंदा था, वो मेरे को नहीं दिखा। लेकिन जब मैं यहाँ पे लूट कर रहा था तब यहाँ पे मेरे को अभी देखना कितना ज़्यादा फटका दिया, मतलब दो गोली का छोड़ा था। मैंने सोचा ग्रोजा तो लेके ही रहूँगा क्योंकि ग्रोजा का स्किन मिला है। तो यहाँ पे ग्लू वॉल देख, तो जब मैं सारे ग्लू वॉल ले लूँगा ये सब गिरा के, तो 19 ग्लू वॉल्स जो कि मैं मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया। और यहाँ पे मैंने हील कर लिया और आगे की तरफ जो टावर है वहाँ पे था बंदा। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा लेते हैं मज़ा इसके साथ। तो ये चला गया कवर में, बहुत ही अच्छा खासा डैमेज था। और ये ग्रोजा का स्किन मेरे को उतना कुछ मतलब खास भी नहीं लगा, लेकिन सही है। और यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को एकदम हालत ख़राब कर दिया। ये बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा था कहाँ से मार रहा है, शायद से इसके पास कार 98 था। तो मैंने यहाँ पे जो कि आलोक चाचा को जला दिया एंड बंदे को ढूंढने लगा। तो बंदा तो मेरे को नहीं मिला, तो ऊपर वाला मेरे को बार बार दिख रहा था। तो पीछे से आ रहा था जोन जो कि मैं अभी देखो यहाँ पे चिपकू गन था हमारा, इसलिए मैं बच गया बहुत ही आसानी से। तो मैंने पहले सोचा नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन ऊपर से मार पड़ने की वजह से और हाथ मेरा बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था, तो मैंने सोचा ऊपर ही सारे बंदे होंगे क्योंकि अभी आप लोग बंदे देख सकते हो कितने बाकी है। 4 बंदे मेरे को लेके, मतलब सामने की तरफ 2 बंदे और एक और बंदा, वो मेरे को मतलब लास्ट में मार दे। और यहाँ पे मैं गंदा वाला डैमेज खाते हुए, मेरा ग्लू वॉल लगाने का मेरा पोजीशन जो कि बहुत ही घटिया, मैं ग्लू वॉल मेरा हाथ में नहीं आता। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा, मैं मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ फास्ट ग्लू वॉल लगाने का, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लू वॉल नहीं मिलता ज़्यादा, इस वजह से कस्टम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जब भी गया तो देखा सामने से एक और बंदा और इसको ग्रोजा से मतलब देख सकते हो कितना गंदा वाला बंदा डैमेज दे रहा है। मैंने सोचा भाई साहब अभी तो इससे पंगा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे वाला बंदा था वो मेरे को अभी तो नहीं मारा, लेकिन मैं यहाँ से सोचा जोन आ रहा है तो चलो जाते हैं, भाग जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कवर लिया और देख सकते हो मार दिया।